अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHP ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप सादा भाई का अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हो। इस अकाउंट को बनाने का फुल तरीका आपको मैं बताऊंगा। तो पहले बता दूं कि अगर आपको सादा भाई का नहीं पता तो सादा भाई एक मोबाइल अकाउंट है जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं, जैसे आज आपने प्ले स्टोर पर देखा होगा एक कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है जी हमें या वीज़ा कार्ड की, तो सादा पे आपको एक मास्टर कार्ड दे देता है जिससे आप बहुत इजी तरीके से प्ले स्टोर की पेमेंट्स कर सकते हो, नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स कर सकते हो, अमेजोन की पेमेंट्स कर सकते हो। यानी कि इस तरह की जो भी कंपनीज हैं जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत टैक्स से आप बहुत ईजी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बैंक वगैरह का कार्ड अप्लाई करें जैसे ABL है, MCB है, यानी कि पाकिस्तान में जो भी बैंक्स हैं, तो सबसे पहले का अकाउंट बनाओ बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद वो जो कार्ड देते हैं हो सकता है उस कार्ड के ऊपर ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव ना हो, तो फिर आपके लिए वो भी मसले आ जाते हैं। जैसे जैस कैश और इजी पैसा का तो आपने सुना होगा, मोबाइल अकाउंट है ये भी आपको मास्टर और वीज़ा कार्ड देते हैं, लेकिन इनके ऊपर इंटरनेशनल ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो नहीं हम कर सकते। लेकिन सादा पे एक ऐसी चीज़ है जो आपको कार्ड देता है, इससे आप बहुत ईजी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे आपने एक साल कोई काम सोच लेते हो कि यार हमने पैसे कमाने इंटरनेट से ऑनलाइन, जैसे फाइवर से लोग कमाते हैं, अपवर्क से कमाते हैं, जैसे चलो यूट्यूब से ही कमाते हैं लोग, तो इसके लिए भी बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आपको बाहर से पैसे आने, पाकिस्तान से बाहर से पैसे आने, तो आपके पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके पेमेंट रिसीव कर सके। लेकिन सादा पे जो है वो आपने सिंपल आपने कुछ चीज़ें देनी है, वो अभी आपको मैं आगे बताने लगा हूँ कैसे रजिस्टर करना है। तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आप अपवर्क, फाइवर, ये वो जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, YouTube है, आप इससे बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन अर्निंग करते हो वो बहुत इजी तरीके से आप इससे के ऊपर मंगवा सकते हो। और पाकिस्तान में किसी भी ATM में इसके कार्ड से आप विड्रॉ भी ले सकते हो, बहुत इजी तरीका है। तो सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। तो इसका एक गोल्डन टिकट होता है, वो आपको मैं बताऊँगा कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास गोल्डन टिकट होगा ना तो आपका बहुत जल्दी इसका अकाउंट बन जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो के सेंटर में या किसी जगह पर मैं आपको बताऊँगा कि आप मुझसे गोल्डन टिकट फ्री में ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, तो उसका मैं तरीका मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में बता दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च के मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सादा पे का अकाउंट कैसे हम बहुत ही ईजी तरीके से रजिस्टर कैसे करें। तो व्यूवर्स, अपने मोबाइल में आपने सादा पे इंस्टॉल कर लेनी ऐप, आपको ये प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो अभी मैं ओपन कर चुका हूँ, तो अभी आप ये देख सकते हो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो आपने जिस नंबर के ऊपर अकाउंट अपना क्रिएट करना है, बनाना है, ठीक है, आपने वो वाला नंबर इधर लिख देना है। ठीक है, याद रखना ये वाला जो आप नंबर लिखोगे यही आपका अकाउंट नंबर होगा। तो जैसे ही आप ये नंबर लिख लो उसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू, और आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके उसी नंबर के ऊपर, ठीक है, मैसेज जाएगा, आपने वो मैसेज से वेरिफिकेशन कोड लेके इधर लिख देना है। उसके बाद वो कहेगा ग्रेट आई लेट्स योर पिन, पहले आपने अपना पिन कोड क्रिएट करना है। तो अभी आप 5 डिजिट्स का पिन रखोगे, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करके जो भी पिन रखना है आपने वो दो बार कंफर्म कर देना है अपना पिन। उसके बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आ चुका है, उसके बाद आपसे नेम पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है। तो नेम आपने वो वाला लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर सेम जैसा नेम है वैसा ही आपने उसके ऊपर लिख देना है। तो ईमेल और नेम आपने लिख के उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे वो आपका नेम पूछेगा और उसको कंफर्म कर देना है आपने बस। उसके बाद कह रहा है आर यू ए फ्री लॉन्सर, तो अभी आपको ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। तो अभी मैं कर देता नो आई एम नॉट फ्री लॉन्सर, ठीक है, इसका भी आगे मैं सब कुछ डिटेल से आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप लाइन में लग चुके हो। अब आपको तकरीबन कम से कम 3 महीने लग सकते हैं अकाउंट क्रिएट करते हुए। तो बाकी आप शेयर कर सकते हो, शेयर करके आप अपना वेट लिस्ट कम कर सकते हो। लेकिन आपने मोर भी आना है, तो आप ये देख सकते हैं फाउंड ए गोल्डन टिकट। तो आपके पास एक गोल्डन टिकट अब आपने कहाँ से लेनी है, तो जिससे क्या होगा, गोल्डन टिकट से आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा जल्दी से बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी गोल्डन टिकट मिले, मुझसे लेना चाहते हो, फ्री में दूंगा, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वेट करना है। मैं हर तकरीबन 2 हफ्ते में एक टिकट का कोड देता हूँ, तो आप उससे उधर से पिक कर
कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी तो मेरे पास ये कोड है, तो मैं इधर आके जी कोड लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आप कह देख सकते हैं मेरा जो वेट लिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। ऊपर आप पढ़ भी सकते हो, नेक्स्ट इन लाइन में आ चुका हूँ। पहले काफ़ी वेटिंग लिस्ट में था मैं, तो अब लाइन में लग चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। तो अब इधर फाउंडर देख सकते हैं वो आ भी नहीं रहा, तो अब मैंने टिकट से बहुत ज़्यादा जल्दी से ईजी से अकाउंट बना सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जैसे ही वेट करते हैं 10-15 मिनट का वेट है, उसके बाद अगला आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ। तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, तो आप ये देख सकते हैं आपसे वो आपका आईडी कार्ड नंबर पूछ रहा है और आपने एक सेल्फी देनी है। सिंपल आपने ये वाला काम करना है। तो अभी आप नीचे देख सकते हैं गेट स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो आप ये देख सकते हैं वो कह रहा है कि आप अपना आईडी कार्ड दो, उसकी फ्रंट पिक्चर बनाओ, ठीक है। मैं इसकी एक पिक्चर बना लेता हूँ। टेक फोटो के ऊपर आपने आके क्लिक करना है और आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और आपने अपने आईडी कार्ड को ये जो बॉक्स सा बना नजर आ रहा है इसके अंदर अंदर लेके आना है। अच्छा, पिक्चर लेने के बाद आपने फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद अब आपसे बैक साइड की पिक्चर की वो पिक्चर मांगेगा आईडी कार्ड की। उसके बाद आपने बैक के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद आपसे वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है आईडी कार्ड की वो खुद ब खुद ले लेगा। बाकी अगर आपके आईडी कार्ड में कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो इंफॉर्मेशन के अंदर, इशू डेट वगैरह या आईडी कार्ड नंबर गलत ले लिया उसने, तो आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपसे नीचे वो देख सकते हैं मदर नेम पूछेगा, मदर नेम आपने अपना दे देना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है उनका, नादरा से वेरीफिकेशन होती है इस वजह से, तो आपने अपना मदर नेम इधर लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आपका टाइम फॉर सेल्फी आ चुका है, तो आपने अपने मोबाइल से सेल्फी लेनी है जी, ठीक है। तो उसके लिए आपने फोटो पे क्लिक करना है और आपके पास आपका कैमरा ऑन हो जाएगा मोबाइल का, तो आपने लाइव सेल्फी लेनी है। तो जैसे ही आप सेल्फी लोगे उसके बाद क्लिक करना है आपने बटन के ऊपर आके, उसके बाद आपने दिस पिक्चर इज क्लियर पे ऊपर आके क्लिक कर देना है, तो आपके अगर पिक्चर क्लियर है तो आपकी वो पिक्चर ले लेगा। उसके बाद आपसे वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूछेगा, तो आपने अपनी वेरिफिकेशन भी कर लेनी है। तो इसमें वेरिफिकेशन आप इन ऐप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। पहले हमें जाना पड़ता था किसी शॉप वगैरह पे, बैंक वगैरह जाना पड़ता था जहाँ से वेरिफिकेशन करवानी होती थी, वो तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था वो। तो आपने करना अपने मोबाइल का कैमरा आप देख सकते हो ओपन हो चुका है, तो आपने अपने हैंड को इसके अंदर लेके आना है लेफ्ट राइट वाले को, ठीक है। पहले हम इसमें करेंगे राइट साइड वाला और ये देख सकते हैं आपने इतना क्लोज करना है कि ये इसकी पिक्चर बना ले। तो अभी ये देख सकते हैं ये पिक्चर इसकी खींच लेगा, तो आप ये देख सकते हैं वो कह रहा है कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो सक्सेसफुली स्कैन हो चुके हैं। तो उसके बाद कुछ देर के लिए वो आपसी वेरिफिकेशन नादरा से वो करेगा, तो जैसे ही वो वेरिफिकेशन आपकी होगी सारा कुछ, तो ये हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है और इसको मैं कर देता हूँ अब डन। उसके बाद आपका यूर अकाउंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग में चला गया, ये तकरीबन 2-3 घंटे लग से। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो अभी मैंने 1000 रुपये करके देख भी लिया, ये भी आपको बताता हूँ कि 1000 कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें बहुत सिंपल से ऑप्शन है, लोड मनी, सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और कोई इतने ऑप्शन हमारे पास इसमें नहीं आ रहे। तो ये जी हमारे सादा पे का इंटरफेस है। तो अगर आप बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हैं इधर हमें वर्चुअल कार्ड मिलेगा। वर्चुअल कार्ड का ये आपका एक कार्ड होता है जो ऐप के अंदर ही कार्ड होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें दो कार्ड मिलते हैं, एक वर्चुअल एक और एक फिजिकल। तो ये फिजिकल कार्ड जो है ये देख सकते हैं इसके लिए हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये फ्री में होता था, अब आपको तकरीबन इसके 895 प्लस टैक्स मतलब 1000 रुपए में आपको ये कार्ड पड़ जाता है। और पेपा का कार्ड लेने का तो फायदा नहीं। बाकी पेपा और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंस है मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि मास्टर और पेपाक में क्या फर्क होता है। बाकी मास्टर कार्ड इसमें हम अप्लाई करेंगे क्योंकि मास्टर कार्ड ही सबसे बेस्ट है। तो अभी क्या कहते हैं, अभी देखें मैं मास्टर कार्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो अभी आप ये देख सकते हैं मास्टर कार्ड की आगे सारा कुछ डिटेल बता रहा है। तो पेपाक की वैसे आप डिटेल पढ़ सकते हो इसका और उसका फायदा क्या है। तो अभी मैं कर रहा हूं सादा पे के मास्टर कार्ड के ऊपर जाके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो अभी ये कह रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस है, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं। 1038 रुपए टैक्स कटेगा यार, 1000 रुपया नहीं है, 1038 रुपए में ये ऑर्डर
होगा कार्ड, ठीक है। तो ऑर्डर ये बहुत सिंपल सा हो जाता है, इसमें क्या होता है कि आपने बस 1038 कर देने हैं और उसके बाद आपको कार्ड जो है वो फिजिकल आपके घर में मिल जाएगा, आपसे एड्रेस वगैरह वो आपसे पूछेगा, एड्रेस आपने दे देना है। तो व्यूवर्स अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास अभी इतने बैलेंस है, अगर मैं इसके अंदर आप बताने लगा हूं, अगर आपने पैसे सेंड करने मतलब इसके अंदर आपने जमा करने डिपॉजिट करने, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं लोड मनी का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो आपने लोड मनी के ऊपर जाना है। तो आप ये देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर आ रहा है, माय सादा पे अकाउंट नंबर, उसके बाद रिसीव इंटरनेशनल ट्रांसफर, ये नीचे आप पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल भी हम इसके ऊपर मंगवा सकते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर ही आपका मोबाइल नंबर ही सॉरी आपका अकाउंट नंबर होगा, जैसे आपको मैं शुरू में बता रहा था। तो अभी मैं चलता हूं इजी पैसा के ऊपर, तो इजी पैसा से अगर मैं इसके ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करता हूं, तो आपको मैं पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाता हूं। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं आपने इजी पैसा से करना है या जैस कैसे या अदर बैंक से, तो आपने करना है सेंड मनी पर जाना होता है, तो ये एक बैंक है, तो बैंक ट्रांसफ़र ये देख सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र पर आपने आना है और उसके बाद आपने इधर सर्च करना है सर्च बैंक, ये देखें सर्च बैंक में आपने आना और इधर सादा पे, कोई भी ऐप है जैस कैश वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हो आपने ऐसे ही सादा पे सर्च कर लेना होता है, और उसके बाद आपने वो जो अकाउंट नंबर कॉपी किया था या जैसे आपको याद है वो लिख लेना है, उसके बाद आपने पर्पस बता देना कि मैं किस लिए सेंड कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद जैसे अभी आप ये देखें चले मैं 5000 इससे सेंड करता हूं, तो नेक्स्ट किया तो आप ये देख सकते हैं मोहम्मद सुहेब ये मेरा अकाउंट नंबर है, इजी पैसा था और इस इजी सॉरी सादा पे में ये ट्रांसफर होंगे। तो कितनी फीस कटेगी वो थोड़ी सी कटती होती है, 1 रुपये मेरे ख्याल में 28 पैसे कट रहे हैं, ठीक है। हर बैंक के अपने अपने रूल होते हैं फीस टैक्स वगैरह काटने के, वो आप अपने बैंक से पूछिएगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं सेंड नाउ पे के ऊपर मैंने क्लिक किया और इधर से ये पैसे सेंड हो रहे हैं, और अगर मैं इधर आ जाता हूँ वापस एक मिनट है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ऐप को और इधर आते हैं, तो अभी आप ये देख सकते हैं मुझे उसी टाइम ट्रांजैक्शन आप ये देख सकते हैं 5000 मेरे पास रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह करके आप बहुत ईजी तरीके से सादा पे में ईजी पैसा या जिधर मर्जी से आप लोड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने भेजने हैं जैसे आप देखें सेंड रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को भेजना चाहते हो पैसे, जैसे चले मैं इसमें से 1000 भेजना चाहता हूं, तो सेंड पे गए, ठीक है। अब किसको भेजना है, ठीक है, न्यू इसमें भी आप ये देख सकते हैं न्यू बैंक ट्रांसफर आ रहा है, तो सारे बैंक आ रहे हैं। जैसे चले मैंने ईजी पैसा में भेजना अगेन, तो ईजी पैसा मैंने लिखा और ये देखें मैंने ईजी पैसा लिखा और इधर मैं आके अकाउंट नेम लिखता हूँ, ठीक है, और अकाउंट नंबर लिखते हैं और उसके बाद ये मेरा ईजी पैसा के ऊपर भी अकाउंट नंबर है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आगे ऊपर अकाउंट टाइटल आया और कितने बेचने हैं और इसको मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं इधर से कितने इजी तरीके से 1000 रुपया जो है वो मैंने सेंड भी कर दिया इजी पैसा के ऊपर। तो इस तरह करके आप सेंडिंग भी कर सकते हैं, रिसीविंग भी कर सकते हैं, और इसमें ऑप्शंस नीचे आप पढ़ सकते हो, पेमेंट्स इसमें आप मोबाइल इजी लोड कर सकते हो, बिल वगैरह पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, मोर में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना ओपन ए बिजनेस अकाउंट, इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका बताऊंगा कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप कहते हो वो वाली वीडियोस भी आपको मिल जाए बिना सर्च किए हुए, तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको वो मिल जाएगा। तो बाकी आपकी ये अकाउंट लिमिट आ रही होती है 2 लाख तक इसमें लिमिट होती है, तो मेरी अभी 1,74,000 लिमिट रह चुकी है, तो मैंने यूज़ कर चुका हूँ तकरीबन 15-20,000। तो इस तरह करके आप पैसे सेंड और कर सकते हो। और तो सादा पे का अगर आप अकाउंट अभी से अभी बना लो, अगर आपके पास गोल्डन टिकट नहीं है इसकी आप बनाने की, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं बताता रहता हूँ, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो जो जल्दी जल्दी कर लेंगे, जो जल्दी मैसेज उसमें रीड कर लेंगे उनको टिकट्स मिल जाएंगे। जो अभी ये वीडियो जैसी अपलोड होगी उसके 10 मिनट बाद आपको इस के नीचे एक टिकट दी जाएगी, बाकी एक हफ्ते के बाद हर हफ्ते इंशाल्लाह टिकट कोड जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने इंस्टाग्राम पे रखा था, तो इंस्टाग्राम पे रश बोर्ड पड़ जाता था, हर एक को मैसेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो मैंने सोचा व्हाट्सएप पर ही कर लेते हैं, तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। तो आई होप आपको सादा पे का समझ आ चुकी होगी, तो सादा पे अकाउंट जल्दी से बना लें, सादा पे के बगैर आपकी ज़िंदगी नामुमकिन है, तो सादा पे का अकाउंट आज के दौर में लाजमी होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च के मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।